नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारं अन्यान अस्मद् गुरुन संततम् अनतोस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अतिकल्याण रूपत्वा नित्यकल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वयेतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महाशरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय कर्त था कर तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान से श्री कृष्ण अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया। हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेय स्यान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण नित्य सुख शांति की प्राप्ति आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और मृत्यु की निवृत्ति अमृतत्व की प्राप्ति अज्ञान की अत्यंत निवृत्ति अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी उस उपाय को भी नहीं जानता। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। मेरा तन मन
बुद्धि प्राण सब आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण की बात आप बतावे तो भगवान श्री कृष्ण पहले जो अर्जुन का ये कहना है कि अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, तो पहले अर्जुन का स्वभाव बताते हैं कि अर्जुन तेरा स्वभाव क्या है और ये अज्ञान क्या है और अज्ञान तेरे स्वभाव का नाश कैसे कर सकेगा, इस बात पर विचार करते। ये प्रथम प्रश्न है। दूसरा धर्म संबंधी प्रश्न है कि धर्म को ठीक ठीक नहीं जानता हूं, इसलिए धर्म के संबंध में मुझे बताओ। तो प्रथम यही बताते हैं कि अर्जुन मुझ ईश्वर का और तुझ जीव का, मुझ सर्वज्ञ ईश्वर का और तुझ अल्पज्ञ जीव का जो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। जो तूने प्रश्न किया है मृत्यु की निवृत्ति, अमृतत्व की प्राप्ति, दुखों की अत्यंत निवृत्ति, नित्य सुख की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति, अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति, तो अर्जुन हमारे तुम्हारे शुद्ध स्वरूप ब्रह्म में ना तो अज्ञान है और न दुख है और न मृत्यु है। ऐसा हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप है जो जीव और ईश्वर का लक्षार्थ है, शुद्ध स्वरूप है, कूटस्थ ब्रह्म। उस स्वभाव से ही सच्चिदानंद रूप है, उसमें मृत्यु अज्ञानता और दुख है ही नहीं। इसलिए अर्जुन हमारा तुम्हारे स्वभाव का नाश ये अज्ञान नहीं कर सकता है, क्योंकि अज्ञान हमेशा ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होता है। ज्ञान तो स्वयं प्रकाश है और अज्ञान प्रकाश्य है। ज्ञान तो दृष्टा है और अज्ञान दृश्य है। तो दृश्य की सिद्धि दृष्टा से होती है, अज्ञान की सिद्धि ज्ञान से होती है। स्वयं सिद्ध अज्ञान दृश्य नहीं है, ये सारे देह दृश्य हैं, ये देह ही ज्ञान से सिद्ध होते हैं। इसलिए अर्जुन अज्ञान हमारे तुम्हारे ज्ञान स्वरूप का नाश नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध है ही नहीं, ज्ञान के द्वारा सिद्ध होता है और छाया के समान अज्ञान है। और ज्ञान पुरुष के समान है, जैसे पुरुष और पुरुष की छाया, तो पुरुष तो ज्ञान है, छाया ज्ञान है, तैसी ये देह जो है वो छाया के समान है। देह को ज्ञान नहीं है और जो हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा देही है वो स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान को पुरुष कहते हैं। तो सभी जीवों का अपना स्वरूप ज्ञान है, पुरुष है, और ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण ये छाया के समान दृश्य हैं। जैसे छाया को ज्ञान नहीं, वैसे ही देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को ज्ञान नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को ज्ञान नहीं, इन्हीं को माया भी कहते हैं। माया छाया के समान असत जड़ दुख रूप है,
जागृत स्वप्न सुसुप्ति इतनी माया है जो छाया के समान ज्ञान पुरुष की दृश्य है। हमारा हम तुम ज्ञान पुरुष हैं, ये हमारा स्वभाव है। तो जो ज्ञान स्वभाव सिद्ध है और अज्ञान की सिद्धि भी ज्ञान ही कर रहा है, तो ये अज्ञान ज्ञान का नाश कैसे करेगा? किंतु नहीं कर सकता। सुसुप्ति में घोर अज्ञान अंधकार है। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है, इसलिए सुसुप्ति के अज्ञान को और सुसुप्ति के आनंद को हम ही जानते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना निद्रा के अज्ञान को कौन जानेगा? और सुसुप्ति में जो आनंद आता है उस आनंद को कौन जानेगा? तो सुसुप्ति में आनंद अपना ही होता है, अपने आत्मा का ही आनंद है, और वहां कोई स्त्री मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र शब्दादि विषय इंद्रियां मन बुद्धि ये होते ही नहीं है। इसलिए विषय जन्य सुख तो है नहीं वहां निद्रा में, न कोई विषय है, न इंद्रियां ही है, न मन ही है, न बुद्धि है। घोर निद्रा में सोया हुआ पुरुष इनका अभाव देखता है, और मैं देखने वाला हूं कि न इंद्रिय है न विषय है। जागृत स्वप्न का संसार ही नहीं है, तो मैं देखने वाला तो बराबर हूं। तो वहां आनंद आया तो किसका आया, कहां से आया? तो मेरा अपना आत्मा का ही आनंद है। मैं अपने आनंद का ही उस समय अनुभव करता हूं, और निद्रा में दुख का तो लेश भी नहीं होता है, आनंद ही आनंद होता है। दुख तो शरीरों में होता है और मन में होता है। स्थूल शरीर में जन्म मरण का दुख होता है, क्योंकि स्थूल शरीर जन्मता है और मरता है और अनेक व्याधियों से रोगों से ग्रस्त होता है, इसलिए रोगों का भी दुख होता है। और सूक्ष्म शरीर में भूख प्यास का सुख दुख होता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में प्राण है और मन है, इंद्रियां हैं, तो सूक्ष्म शरीर के ये दुख होते हैं भूख प्यास आदि। परंतु जब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर निद्रा में दोनों नहीं है, इसलिए न कोई रोग बीमारी का दुख है, न जन्म मरण का दुख है। निद्रा में जब शरीर ही नहीं तो जन्म मरण किसका होगा? और न मन है, इसलिए मानसिक दुख नहीं, आनंद ही आनंद है। निद्रा में सर्व दुख समाप्त है। ये जागृत स्वप्न तक ही ये दुख रहते हैं और भूख प्यास रहती, सो जाओ कोई दुख नहीं, न जन्म मरण है, न आदि व्याधि का दुख है, न किसी का भय है। क्यों? आप अकेला है। भय तो दूसरा कोई हो तब शत्रु हो कोई भय देवे, दूसरा तो है ही नहीं, कौन भय देवेगा? कोई शत्रु नहीं। नींद जब तू कभी आती है जी की बेचैनी जाती है, राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती, कंकड़ फूल सेज बन जाते, जब तेरे डेरे डल जाते। ये जागृत स्वप्न जगत की जननी है,
कौन निद्रा और जागृत स्वप्न का जितना संसार है वो निद्रा रूपी जननी का, इसी को माया कहते हैं, इसी का परिवार है सब। देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी सांप बिच्छू सब निद्रा का परिवार है। राजा रंक देवता दैत्य सब निद्रा से पैदा होते हैं, तो निद्रा के ही पुत्र परिवार है। इसलिए निद्रा सबकी माता है और माता को सभी पुत्रों पर समता है। वो देवता और दैत्य सांप बिच्छू और मनुष्य नहीं विचारती, कोई भी हो निद्रा की गोद में सब सुख ही पाते। राजा रंक न मन में धरती, सब पर कृपा बराबर करती। निद्रा के पास में सुख रूपी दूध है, अपार दूध है, सभी पुत्रों को दूध पिलाती है सुख रूपी। नींद में सभी सुखी हो जाते हैं। करना कुछ नहीं है, कर्तव्य करके सुख पाना ही नहीं है। निद्रा की गोद में सोया हुआ जैसे पुत्र दूध पीता है, आनंद से सो जाता है, ऐसे ही सब जीव सुखी हो जाते हैं। वहां अपने आत्मानंद का ही अनुभव होता है। समाधि में निद्रा भी नहीं होती है, निद्रा में तो मैं रहता हूं और निद्रा रहती है, ये दो हो गए। समाधि में तुरी में माने चौथे स्वरूप में वो जो मेरा स्वरूप है वहां निद्रा भी नहीं है, तो केवल आप अकेला हूं। निद्रा रहित अवस्था समाधि है, तो केवल अपने स्वरूप का ही आनंद है समाधि में। निद्रा में फिर भी पर बसता है, निद्रा आवे तो निद्रा का सुख मिले। माता की गोद में जाए बालक तो निद्रा का सुख पावे, और निद्रा ना आवे तो फिर निद्रा का सुख न मिले। तो परबस है, जैसे पति को पत्नी के द्वारा जो सुख मिलता है वो परबस है, पत्नी मिले हो तो सुख मिले और ना हो तो ना मिले, तो परबस हुआ सोबस न रहा। ऐसे निद्रा भी इस जीव की पत्नी है, निद्रा आवे तो सुख मिले निद्रा का, जहां और कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। निद्रा नाव है तो अनेक उपाय निद्रा को मनाता है, बुलाता है, अनेक उपाय करता है, निद्रा की गोली खाता है। जिसमें निद्रा आवे तो सुख देवे, नहीं तो दुखी हो जाता है, जागते जागते ये दुखी हो जाता है, थक जाता है देखते देखते सुनते सुनते खाते खाते पीते पीते बोलते बोलते, क्योंकि जागे और जागृत स्वप्न में कर्म ही कर्म है, रात दिन देखना सुनना बोलना कुछ मानसिक कर्म सोचना, थक जाता है।
अब दुखी हो गया है, अब सबको त्याग कर सुखी होना चाहता है। ये सबको त्याग देता है जागृत स्वप्न के संसार को, तब निद्रा में सुखी होता है। और निद्रा ना हो तो बहुत दुखी होता है। तो परवस्ता है निद्रा में भी, तो समाधि में क्या परवस्ता है? अपना स्वरूप सम है, न जन्म है न मरण है, समता है, एक सम बराबर एक रस ही रहता है, सदा सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, न जन्म है न मरण है, न कोई दुख है, न कोई अज्ञानता है। दुख ही दुख है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। ऐसा ब्रह्म स्वरूप अपना है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन हमारा तुम्हारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप तो सचित आनंद घन ब्रह्म ही है, निर्दोषम ही समम ब्रह्मो। ब्रह्म निर्दोष है, कोई दोष नहीं है जन्म मरण का, रोग बीमारी का, इसलिए सम है, एक रस है। सो ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप है, और निद्रा तो अज्ञान रूप है, वहां तो अज्ञान का आनंद है, थोड़ी देर का आनंद है जब तक अज्ञान रूपी निद्रा रही, फिर निद्रा भी तो हमेशा नहीं रहती, तो निद्रा का ही सुख लिया जाए, वो भी टूट जाती है। बहुत मनाए पथाए किसी प्रकार से आई, थोड़ी देर उसने सुख दिया, फिर चली गई। कौन बुलावे, जबरदस्ती आती नहीं है। पत्नी रूठ जाए चली जाए क्या करोगे? इसलिए बहुत परवश है निद्रा का सुख। आत्मा का सुख तो स्वबस है, किसी की परवशता तो है नहीं। सभी इंद्रियों को मन को बाहर से हटा करके आत्मचिंतन में लगा दो, अपने स्वरूप में सच्चिदानंद रूप हो हम, ये अपना स्वरूप है। अपने मन को सच्चित आनंद स्वरूप के आकार का बना दिया, परमानंद में मगन हो गया मन, इसको समाधि कहते हैं। तो अपने स्वरूप के चिंतन में तो कोई परवस्ता है नहीं। त्याग दिया हमने जागृत को, स्वप्न को, सुसुप्ति को, ये तीनों पत्नियां हैं, अथवा सुसुप्ति पत्नी है, जागृत स्वप्न का संसार परिवार है। परिवार में तो दुख ही होता है, जब तक पति पत्नी रहते हैं तब तक तो कुछ ठीक रहता है, ज्यादा परिवार नहीं है कुछ तो पति पत्नी का ही सुख रहता है। जब परिवार बढ़ा तो उनकी चिंता फिक्र, उनका पालन पोषण करना, तो सुसुप्ति में तो अकेली पत्नी है अपनी, सब जीवों की, तो दोनों का ही आनंद है, दो ही है। जागृत स्वप्न में तो इतना संसार परिवार बढ़ गया है, अब इस घर गृहस्थी में पड़ा बहुत दुखी होता है, रात दिन चिंता करता है परिवार पालन की। पर जब सबसे दुखी हो जाता है तो सबका परित्याग कर देता है, जागृत का, स्वप्न का, सुसुप्ति का, इसको सन्यास कहते हैं। सन्यास का सुख है,
त्यागने में तो कोई परतंत्रता है नहीं, कोई परवस्ता तो है नहीं। हम छोड़ना चाहते हैं किसी को, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को, अपने राज्य को, धन को, इसमें तो कोई परवस्ता है नहीं। ग्रहण करने में परवस्ता है कि स्त्री पुत्र मिले, अनुकूल रहे, हमारे पास रहे, उसमें परवस्ता हो सकती है ग्रहण में। त्याग में क्या परवस्ता है, सब स्वतंत्र है त्याग करने में। स्त्री पुत्र परिवार धन राज्य सब स्वतंत्र त्याग करके चल देते हैं। कितने राजा लोग राज्य को, कोई परतंत्रता नहीं है। तो सज्जनों, इसमें तो स्वतंत्र ही है सर्व त्याग करने में। तो जीव जब चाहे, जब जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों का परित्याग कर दे, वे निद्रा रूपी पत्नी और जागृत स्वप्न रूपी परिवार का त्याग करके, यही संन्यास है, तब अपने अकेले रह गया। अपना अकेला स्वरूप शुद्ध है, पत्नी परिवार से मिला हुआ नहीं है, कोई संग दोष नहीं है, अकेला है। तो अकेला स्वभाव सिद्ध स्वरूप तो सच्चिदानंद है, वहां तो दुख का लेश नहीं है। और फिर अर्जुन, ये पत्नियां भी तो माया की हैं, छाया की पत्नियां बताइए, कोई सच्ची नहीं है। जागृत भी, स्वप्न भी, सुसुप्ति भी छाया जैसी हैं, इनमें सुख कहां से आया। छाया चित्रों की पत्नी पुत्र परिवार स्त्रियां होंगे, उनमें सुख कहां है। उनको देख करके ये सुख मान लेता है, पर उनमें सुख है नहीं। सज्जनों, ये सब छाया चित्र हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं जागृत और स्वप्न में और सुसुक्ति भी, इनमें तो सुख का लेश भी नहीं। और ये यदि कहो इनमें सुंदरता दिखाई पड़ती है, स्त्री पुरुष सुंदर दिखाई पड़ते हैं, सुख रूप दिखाई पड़ते हैं, इनका मुख कमल खिला हुआ है, सबका सुखरूप है, आकर्षण है, रौनक है। भगवान कहते हैं अर्जुन, सुख स्वरूप तो तू है, मैं चेतन आत्मा सचेत आनंद रूप हूं ना, तो केवल मेरे रहने से इन शरीरों के सुखरूपता सुंदरता दिखाई पड़ती। इन शरीरों की सुंदरता तो नहीं है, सुखरूपता तो नहीं है, वो मेरी है, जो इन शरीरों के भीतर मैं बैठा हूं, तो मेरी सुखरूपता, मेरी रौनक कमल के समान ये सब खिल रहे हैं, और मैं नहीं रहूं तो फिर देखो ये स्त्री पुरुष सुंदर है कि भयंकर है। यदि जीव ना रहे इस शरीर में तो कितना भयंकर लगेगा, डरावना लगेगा। अब मेरे रहने से रात दिन चिपटाए रहो, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। अब मेरे न रहने से तो एक मिनट भी अच्छे नहीं लगते, कहते हटाओ घर से बाहर ले जाओ, उनको तो डर लगता है, वही शरीर ऐसे भयंकर लगते हैं। तो मैं सुंदर हूं कि शरीर सुंदर है, अपनी सुंदरता को जानता नहीं है। और जिसमें सुंदरता नहीं है, सुख रूपता नहीं है, उसको सुखरूप समझता, यही अज्ञानता है। तो अर्जुन, तुम अपनी सुखरूपता को समझो, स्वभाव से ही हमारा तुम्हारा स्वरूप सुखरूप है, कर्तव्य से नहीं, स्वभाव से ही अमृत रूप है, मृत्यु है नहीं कभी,
तो अमरता की प्राप्ति सुख की प्राप्ति करना नहीं है, वो तो नित्य प्राप्त है। इसी प्रकार से स्वभाव से ही हम तुम ज्ञान रूप हैं, किसी से लेना नहीं है ज्ञान, पाना नहीं है, ज्ञान हमारा स्वभाव ही है। सभी बालक बूढ़ा सब देखते हैं, क्योंकि देखना स्वभाव है सबका। तो बालक और बूढ़े में बैठा हुआ जो चेतन आत्मा है वही देखता है। अब वो सब में एक है, सभी स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र में ये देखने वाला जो ब्रह्म है ज्ञान है वो तो एक ही है, सब में व्यापक। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म हो, ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है, जिसका ना आदि है ना अंत है उसको अनादि अनंत कहते हैं। अनंत का अर्थ करते हैं व्यापित्वान नैव देशतोंता, नित्यत्वान नैव कालता, न वस्तुतोपि सार्वात्म्यात् आनंतम आनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा। तीन प्रकार से ब्रह्म की अनंतता बताते हैं। व्यापित्वान नैव देशतोंता, हमारा तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म है, आत्मा का स्वरूप, अपना स्वरूप। ब्रह्म और आत्मा तो एक तत्व है, भेद नहीं किंतु अभेद है, अद्वैत है, इसमें द्वैत नहीं है। तो कहा सब देश में ये व्यापक है ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है, तो देश से अंत नहीं होता है, क्योंकि सब देश में है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर आत्म तत्व व्यापक ना हो आकाश के समान। जैसे आकाश, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आकाश ना हो। आकाश सब जगह व्यापक है, लोक में परलोक में सब लोकों में व्यापक, आकाश से कोई जगह खाली नहीं है। किसी देश सर्व देशों में आकाश, तो आकाश का जैसे किसी देश से अंत नहीं है, तैसे ही आत्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म और महान है। देश काल जिस बिल सब माही, कहा उसे कहा जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन जगह है जहां पर आत्म तत्व ब्रह्म तत्व व्यापक ना हो गए, सब जगह मौजूद है। तो देश से अंत नहीं होता है। देश किसको कहते हैं, कहा जहां रहा जाए उसको देश कहते हैं। ये हम लोग कहां रहते हैं, कहते ये भारत में रहते हैं, आ भारत देश है। रहने की जगह को, इस धरती को, पृथ्वी को देश कहा जाता है। तो सब लोग कहां रहते हैं, कहा सब अपने अपने देश में रहते हैं, कोई भारत में, कोई जर्मन में, कोई जापान में, कोई रूस में, कोई फ्रांस में, कोई इंग्लैंड में, ये सब धरती में, पृथ्वी में ये सब देश कहे जाते हैं। तो सब लोग अपने अपने देश में रहते हैं, और सब देश कहाँ है, कहा सब देशों का देश पृथ्वी है। सारे संसार के देश पृथ्वी में रहते हैं, इसलिए सब देशों का देश पृथ्वी है। भला आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप, कहा सभी देशों में और सब देशों में रहने वाले स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षियों में सब में विराजमान है।
सब नाम रूपों में सर्वत्र व्यापक है, कहीं अभाव होता ही नहीं। किस रूप में? कहा अपने सचित आनंद रूप से ही व्यापक है। नाम रूप देश, देशों के अनेक नाम और अनेक रूप हैं, और देश में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं उनके भी अनेक नाम रूप हैं। नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, उनकी गिनती नहीं है, परंतु सब नाम रूपों में सब देशों में रहने वाला एक है। सब नाम रूपों को देखता है, प्रकाशता है, उसमें द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है। अर्जुन वो मैं ही हूं, वह ब्रह्म ही है, वह हमारा तुम्हारा स्वरूप ही है। सच्चिदानंद के ही दूसरे नाम है अस्थि भाति प्री। अस्थि भाति प्री रूप से संसार भर के जितने नाम रूप हैं, क्योंकि देशों के भी नाम हैं और रूप हैं, और देश में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत, इनके भी नाम हैं और रूप हैं, तो सभी नाम रूपों में अस्थि भाति प्री रूप से आत्मा व्यापक है। अनुभव करो विचार के द्वारा, मैं सब देशों में कैसे हूं। तो पहले एक देश में विचार करो, और अविनाशी हूं, सब में हूं और अविनाशी हूं। देशों का और नाम रूपों का नाश होता है, नाम रूप व्यक्ति हैं, जो जैसे घट मठ स्त्री पुरुष ये नाम रूप हैं, ये व्यक्ति हैं, और पृथ्वी एक देश हो गया, सभी नाम रूप पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी का नाम और रूप है। तो जैसे एक घट है, तो घट में अस्थि भाति प्री सचित आनंद व्यापक है। कैसे पहचाना जाए? कहा घटो अस्थि, अस्थि भाति प्री के बिना घट की सिद्धि नहीं होगी। घटो अस्थि, घट है, और घटो भाति, घट भासता है, और घटा प्रिया, और घट प्री है, तो घटो अस्थि। अस्थि कहते हैं आय, अस्थि माने सत, और भाति माने चित, प्रियते इति आनंद, घट प्री है, प्री नाम आनंद का है। प्रेम कहो, प्री कहो, एक ही बात है, आनंद कहो, सुख कहो, तो सत चित आनंद के ही ये अस्थि भाति प्री नाम है। भाति माने चित, तो घट में बराबर मौजूद है, अस्थि भाति प्री के बिना तो खाली घट सिद्धि नहीं होगी। केवल घट नाम रूप की सिद्धि नहीं होती, घट है, घट अमुक काम में आता है, इसलिए प्री है। अरे जल भरने के काम में आता है घड़ा, इसलिए प्री है। तो प्रियता घट की नहीं है, वो मुच्चेतन आत्मा की है। और घट है, ये अस्थिपना अस्तित्व ये घट का अपना नहीं है, ये मुझ आत्मा का है, चेतन आत्मा ब्रह्म का है। इस प्रकार से जितने संसार में स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर सूर्य चंद्र ये व्यक्ति हैं, ये जितने नाम रूप हैं इस पृथ्वी में, सब में अस्थि भाति प्रिय रूप से हमारा तुम्हारा आत्मा व्यापक है। सब में जो आनंद है वो अब हमारा तुम्हारा है, हर नाम रूप में। और जितना ज्ञान है वो अपना ही है सब शरीरों में, और जितनी थोड़ी सत्यता है वो हमारी तुम्हारी सत्यता है। इन नाम रूपों की अपनी कोई सत्यता नहीं है, अपनी कोई प्रियता नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है इनमें नाम रूपों में, वो हमारा ही तुम्हारा समाया हुआ है।
अब देखो संसार भर के जितने नाम रूप है ना, इनमें अपने समाना इस प्रकार से जान लो कि हर नाम रूप में अस्थि भाति प्रिय रूप से मैं विराजमान हूं। अब ये नाम रूप उत्पत्ति नाशवान है, तो मैं अस्थि भाति प्रिय उत्पत्ति नाश से रहित हूं। इसलिए जब महाप्रलय आता है तो जितने भी संसार के व्यक्ति हैं, जितने नाम रूप स्त्री पुरुष पशु पक्षी हैं, ये सब पृथ्वी में मिल जाते हैं, इनका नाश हो जाता है पृथ्वी में, तो नाम रूप तो चले गए ना। यदि सत्य होते तो नाम रूपों का नाश नहीं होता। अब मैं सच्चिदानंद हूं, मेरा तो नाश होगा नहीं। अब ये तो न रहे, मैं ज्यों का त्यों हूं। अब क्या है जहां सब नाम रूप खत्म है, कहा पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम है, पृथ्वी का रूप है। इस पृथ्वी पृथ्वी है और पृथ्वी दिखाई पड़ रही है, भास रही है, और पृथ्वी प्यारी है क्योंकि सबको रहने की जगह देती है। तो ये जो अस्थि भाति प्रियता है ये मेरी अब पृथ्वी में मौजूद है, मेरे अस्थि भाति प्रिय का नाश तो नहीं हुआ, मेरे ब्रह्म स्वरूप का नाश तो नहीं हुआ। वो तो बाकी पृथ्वी में रहने वाले जितने नाम रूप थे उन सब का नाश हो गया। अब पृथ्वी का देश देखिए, सब देशों का देश पृथ्वी, पृथ्वी में सब देश नष्ट हो जाते। पृथ्वी का देश है जल। तो जब महाप्रलय होता है तो क्या होता है कि द्वादश आदित्य 12 सूर्य एकदम तपायमान होते हैं, एकदम उदय होते हैं, और 12 सूर्यों के उस उदय होने से प्रकाश से ये पृथ्वी जल भून करके कंडे की राख जैसी हो जाती है। पृथ्वी भी जल गई, खाक हो गई, राख हो गई। अब पृथ्वी का नाम पड़ गया राख, पृथ्वी का नाम रूप तो चला गया। अब ये राख भी फिर क्या होता है, 100 वर्ष तक मूसल की धार के समान मोटी संवर्तक नामक मेघ होते हैं, वो आते हैं, वो वर्षा करते हैं 100 वर्ष तक लगातार। तो ये राख भी घुल गई कि इसमें जल में घुल मिल गई, पृथ्वी का तो नाम निशान चला गया, न नाम रहा न रूप रहा। पर मुझ चेतन सच्चिदानंद आत्मा का हर जल में मौजूद, मेरा नाश नहीं होता। अब बाकी इनका सब नाश होता जा रहा है नाम रूपों का। जलम अस्ति, जलम भाति, जलम प्रिया। जल है, जल भासता है और जल प्यारा है, क्योंकि जल तृषा को बुझाता है, प्यास को बुझाता है, इसलिए प्रिय है। पर ये अस्थि जल है, जल दिखाई पड़ रहा है, मैं ही देख रहा हूं, और जल प्रिय है, ये प्रियता जल की नहीं है, ये तो मेरी ही है। तो नाम रूप जल तो नाम और रूप है, जल का एक नाम है जल और उसका रूप द्रव है, पतला बहने वाला। द्रवता मधुरता शीतलता ये जल का रूप है, जल ये नाम है। अब ये भी फिर और एक महाप्रलय होती है जहां जल भी जल जाता है। जल का देश कौन है, जल कहां रहता है? कहा जल का देश अग्नि है, अग्नि से जल उत्पन्न होता है, अग्नि में ही रहता है, फिर अग्नि में ही जल जाता है, खाक हो गया। जब खोलते खोलते जल भस्म हो गया, सब खत्म हो गया, वो जल का तो नाम निशान, नाम और रूप दोनों चले गए।
पर मैं जब जल है तो जल में मैं हूँ, जल नहीं है अग्नि है, अग्नि में मैं मौजूद हूँ। अग्नि है, अग्नि दिखाई पड़ रही, भाषित हो रही है, वो अग्नि प्रिय है क्योंकि शीत निवारण करती है, भोजन बना के तैयार हो जाता है, पक जाता है, इसलिए प्रिय है। तो ये अष्टि भाती प्रिय रूपता अग्नि की नहीं है, वो तो खाली नाम रूप है अग्नि। इसमें जो अष्टि भाती प्रिय है अग्नि है, ये है पना मेरा है, प्रियता कहा मेरी है, और ये जो ज्ञान है कहा ये मेरा है। मुझ ज्ञान के बिना तो अग्नि कहाँ है। अब अग्नि का देश, ये देश के संबंध में विचार कर रहे हैं किसको किसको देश कहते हैं। जहां रहा जाए वो देश। अग्नि का देश वायु है, वायु से अग्नि उत्पन्न होता है और वायु में रहता है और फिर वायु में लीन हो जाता है। अग्नि का नाम रूप गया तो नाम रूप विनाशी, और मैं नाम रूप में रहने वाला अविनाशी, मेरा नाश होगा ही नहीं, अविनाशी का नाश नहीं होता है। अब वायु का देश कौन है। कहा वायु आकाश से उत्पन्न होता है, आकाश में ही रहता है, चलता फिरता है, फिर आकाश में लय हो जाता है। वायु का भी नाम और रूप गया, पर मैं अर्जुन आत्मा ब्रह्म, मैं आकाश में हूं, आकाश भासता है मुझको ही, और आकाश प्रिय है क्योंकि सबको अवकाश देता है, रहने का स्थान, चलने फिरने की जगह देता है। तो वो अस्थि भाति प्रिय रूपता आकाश की नहीं है, वो मेरी है। एक घट से लेकर के और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तक मैं बराबर बना रहा, अस्थि भाति प्रिय मेरा स्वरूप जो कहते हो रहा। अब बाकी ये सब नाम रूप देखो नाश होते चले जा रहे हैं। आकाश का देश क्या है। कहा आकाश का देश निद्रा रूप माया है, सुसुप्ति रूप माया है, क्योंकि सुसुप्ति से ही आकाश निकलता है, फिर आकाश सुसुप्ति में लीन हो जाता है। आकाश का भी नाम रूप गया। अब निद्रा है, निद्रा मुझको भास रही है और निद्रा प्रिय है क्योंकि सब दुख दूर हो जाते हैं निद्रा में, आनंद ही आनंद रहता है। तो वो निद्रा का आनंद है कि मेरा अपना आनंद है, मेरा अपना ही आनंद है सज्जनों, निद्रा का आनंद कुछ नहीं है। और फिर वो निद्रा भी कहा निद्रा का इस माया का दृष्टा मैं हूं, और ये दृश्य जो है छाया के समान है निद्रा, और मैं पुरुष हूं तो छाया कितनी देर रहेगी, पुरुष में ही लय हो जाएगी। तो माया का देश मैं हूं, छाया का देश मैं हूं, मुझसे ही माया निकली, माने पुरुष से जैसे छाया निकलती है अब पुरुष की दृश्य बन के रहती है, अब फिर पुरुष में समा जाती है। पुरुष तो अविनाशी है, पुरुष तो ब्रह्म है, अब वह ब्रह्म हमारा तुम्हारा स्वरूप है। तो हे अर्जुन, ये अज्ञान जो है यही निद्रा, इस निद्रा का देश मैं हूं। तो देखो मैं अविनाशी ही बना रहा, सभी नाम रूप समाप्त हो गए। तो व्यापित्वान नैव देशतोऽन्तः, सब में व्यापक होने से मेरा देश से अंत नहीं होता है, मैं अनंत ही रहता हूं। उल्टा इस देश, इस इन देशों का आदि अंत है कौन, मैं। मुझसे उत्पन्न भय तो मैं ही आदि भय इनका सबका, और अंत लय कहां भय, मुझ में
तो ये सारे संसार का और माया का अंत भी मैं ही हूं, पर मैं स्वयं अनादि अनंत हूं, मेरा आदि अंत नहीं है। अब बाकी सबका आज उत्पत्ति मेरे से होती है, अब प्रलय भी अंत भी मुझ में ही होता है, न मेरी उत्पत्ति है न प्रलय। उत्पत्ति को आदि कहते हैं, प्रलय को अंत कहते हैं, मृत्यु को अंत कहते हैं। तो मेरे तो आदि अंत है नहीं, न उत्पत्ति न नाश, अनादि अनंत रहा। इसी प्रकार से नित्यत्व नहीं उकालता, नित्य होने से काल से भी मेरा अंत नहीं होता है। काल किसको कहते हैं? कहा सेकंड मिनट घंटा प्रहर दिन रात मास वर्ष युग, ये सब काल के नाम हैं। कहा ये काल भी हो मुझसे हो, प्रातः काल है, प्रातः काल भास रहा है, प्रातः काल प्रिय है, तो काल में मैं समाया हूं प्रातः काल में, पर प्रातः काल का नाश मध्यान काल में हो जाता है। कोई रोक नहीं सकता प्रातः काल को, पर मैं मध्यान काल में हूं, मध्यान काल को देख रहा हूं, मध्यान काल प्रिय है, वो मैं अस्थिवाती प्रिय रूप से मैं मध्यान काल में बराबर हूं। और मध्यान काल सायंकाल में नाश हो जाता है, कोई शक्ति नहीं जो काल को रोक सके, पर सायंकाल में मैं हूं, सायंकाल को देखता हूं, सायंकाल में अपने ही आनंद का भोगता हूं। सायंकाल रात्रि काल में नहीं रहता, पर मैं रात में हूं, रात को मैं ही देखता हूं, रात में मैं ही अपने ही आनंद का अनुभव करता हूं, मेरा नाश नहीं देखो हो रहा है। तैसे ही जागृत काल स्वप्न काल सुसुप्ति काल है, तो मैं दिवस काल में हूं, दिन को देखता हूं, दिन में मैं अपने आनंद को अनुभव करता हूं। रात्रि काल में हूं, 24 घंटे में जागृत स्वप्न सुसुप्ति होती है, जागृत में मैं हूं, जागृत का मैं दृष्टा साक्षी हूं, जागृत में अपने ही आनंद का अनुभव करता हूं। तो जागृत काल स्वप्न काल में नहीं रहता, पर मैं स्वप्न काल में हूं, स्वप्न को मैं ही देखता हूं, मैं ही सिद्ध करता हूं और अपने आनंद का ही भोगता हूं। स्वप्न काल फिर सुसुप्ति काल में नहीं रहता, पर मैं हमेशा रहता हूं, मैं सुसुप्ति काल में भी हूं, सुसुप्ति को देखता हूं, सुसुप्ति के आनंद का अनुभव मैं ही करता हूं, मेरा ही स्वरूप है अस्थिभाती प्रिय। फिर समाधि में सुसुप्ति भी नहीं है, मैं आप अकेला हूं, ये सब खत्म नाश हो गए। ये काल इतने ही थे, दिन रात से लेकर के मास वर्ष युग कल्प जागृत स्वप्न सुसुप्ति यही काल था, इनका सब का अंत हो गया, मैं अनंत रह गया। तो इन सब की तो आदि और अंत मैं हूं, मुझसे ही ये उदय होते हैं, मुझ में ही अस्त होते हैं, और मैं उदय अस्त रहित अनादि अनंत। इस प्रकार से मेरा काल से अंत नहीं होता है, न वस्तुतो की सार बात में आ, और सर्व रूप होने से मेरा वस्तु से भी अंत नहीं है। जैसे सुवर्ण के आभूषण बने तो आभूषण वस्तु है और सुवर्ण उनका कारण है। अब जितने मुकुट कुंडल कंठा हैं, आभूषण हैं, सोना सर्व रूप है, मूल रूप सोना ही है, कुंडल का पूरा रूप सोना ही है, सोना से भिन्न मुकुट कुंडल कुछ है ही नहीं। ऐसे अर्जुन मुझसे भिन्न संसार में ये नाम रूप भी कुछ है ही नहीं है, कल्पना मात्र, मुकुट कुंडल कंठ कल्पना मात्र, सोना ही सत्य है। तैसे ही ये नाम रूप सब कल्पना मात्र है, मैं ही सत्य हूं, तो सर्व रूप मैं हूं। जैसे सोना सर्व रूप है, मुकुट कुंडल कंठा कांची कंकन अंगूठी ये सब रूप कौन है? सोना ही सोना है खरा। मुकुट मुंडट नाम रूप बोलिए तो सुनार की कल्पना है मानस, सोना सत्य है। तो सर्व रूप होने से मेरा किसी वस्तु से अंत नहीं है।
इसलिए अनादि अनंत। अर्जुन बताओ हमारा नाश कौन करे अब? तो हमारा जो स्वभाव सिद्ध स्वरूप है अर्जुन, उसका नाश करने वाला अज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए निश्चिंत रहो, क्या भय है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का